हेलो फ्रेंड, आप लोग को स्वागत है अपना चैनल ऑनलाइन स्टडी पे। और मैं हूँ रोशन कुमार। आज की इस वीडियो में सॉल्व करेंगे काम और समय का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, वो भी बहुत ही अच्छा ट्रिक से। तो क्वेश्चन नंबर वन है कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है। ए जो है वो किसी काम को कितना दिन में करता है? 10 दिन में। तथा बी उसी काम को 15 दिन में करता है। तो पूछा जा रहा है कि तो ए और बी दोनों मिलकर उसी काम को कितना दिन में करेंगे। अब मिलकर पूछा जा रहा है तो इसके लिए क्या करना है, ए कितना दिन में कर रहा है? 10 दिन में। बी कितना दिन में कर रहा है? 15 दिन में। तो क्या करना है कि 10 गुना 15 आप बटा में 10 प्लस 15 को जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। 5 से ये कट गया 3 बार में, ये 5 से 5 बार, 5 से ये 2 बार में, तो 3 दूनी के 6 दिन। तो हमें पता चल गया कि दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा, तो 6 दिन में करेगा। तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन सही है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन है कि राम किसी काम को 20 दिन में, राम जो है वो किसी काम को 20 दिन में तथा श्याम उसी काम को 30 दिन में करता है। तो दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे? तो यहाँ पे क्या करेंगे, 20 गुना 30 अब बटा में 20 प्लस 30 कितना हो जाएगा? 50। कोई दिक्कत है? नहीं है। 1 जीरो से 1 जीरो खत्म हो गया। 5 से ये 20 4 बार में, चलती है 12 दिन में जो है ये दोनों मिलकर काम कर लेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पे जो है दूसरा का बी ऑप्शन सही है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन है कि एक्स और वाई किसी काम को 15 दिन में करता है। एक्स और वाई जो है दोनों मिलकर किसी काम को 15 दिन में करता है। एक्स उसी काम को 60 दिन में करता है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि वाई उस काम को कितना दिन में करेगा। तो ऐसा जब क्वेश्चन हो कि जब दो को साथ वाला दिया रहा है, एक को अकेले दिया रहा है, एक को अकेले का पूछ दे, तो कुछ नहीं करना है, 60 गुना 15 कर दिए या 15 गुना 60 आप बटा में, पहले क्या करते थे जोड़ते थे ना, तब यहाँ पे घटा देंगे। तो 60 में से 15 जगह से कितना बचेगा? 45। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। 15 से 3 बार में चल गया, 3 से 60 20 बार में। तो हमें पता चल गया कि वाई जो है इस काम को कितना दिन में कर देगा, तो 20 दिन में। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है? तो तीसरा का जो है ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चार नंबर क्वेश्चन क्या है, सो एक बार देखिए कि राम और श्याम मिलकर किसी काम को 6 दिन में करता है। राम और श्याम जो है वो दोनों मिलकर किसी काम को कितना दिन में कर रहा है? तो 6 दिन में करता है। यदि राम उसी काम को 10 दिन में करता है तो श्याम उस काम को कितना दिन में करेगा? तो यहाँ पे क्या कर देंगे, दोनों मिलकर कितना दिन में कराए? 6 दिन में। राम अकेला कितना दिन में कराए? 10 दिन में। आप पूछा जा रहा है कि श्याम अकेला कितना दिन में करेगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों का घटा देंगे, 10 माइनस 6 4। 2 से ये 2 बार में कट गया, 2 से ये 5 बार में, 2 से ये 3 बार में, तो 15 दिन। तो हमें पता चल गया कि श्याम जो है उस काम को कितना दिन में करेगा, तो 15 दिन में करेगा। तो 4 का जो है ये ऑप्शन सही है। कोई दिक्कत है? नहीं है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है सो देखिए एक बार, कि ए 9 दिन में किसी काम को करता है। ए जो है वो 9 दिन में किसी काम को करता है। बी 12 दिन में करता है। तो दोनों मिलकर कितने दिन, दोनों मिलकर 2 दिनों में कितने काम करेगा? पूछा जा रहा है कि ए 9 दिन में कोई काम को कर रहा है, बी जो है 12 दिन में काम करता है। तो पूछा जा रहा है कि दोनों मिलकर जो है 2 दिन में कितना काम करेगा। तो ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए क्या है, ए 9 दिन में कर रहा है, बी कितना दिन में कर रहा है, तो 12 दिन में। इसका लसन निकाल लीजिए, 9 और 12 का लसा कितना होता है, तो 36 होता है। 9 चक 36 है, 12 36 है, तो 4 3 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 7। तो एक दिन में जब 7 काम कर रहा है तो 2 दिन में कितना काम करेगा? 14 काम करेगा। और टोटल काम कितना है? 36। तो यहाँ पे पता चलेगा कि 14 बटा 36 काम होगा। ये 2 से कट जाएगा 7 बार में, ये 2 से 18 बार में। तो हमें पता चल गया कि 2 दिन में 7 बटा 18 काम पूरा होगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है? तो 5 का जो है बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर,
सिक्स नंबर क्वेश्चन है कि नीरज किसी काम को 25 दिन में करता है। नीरज जो है वो किसी काम को कितना दिन में करता है? 25 दिन में। तथा गौरव उसी काम को 50 दिन में कर रहा है। तो पूछा जा रहा है कि दोनों मिलकर 5 दिन में कितना भाग काम करेगा। ठीक है, तो नीरज कितना दिन में कर रहा है? 25 दिन में। उसके बाद है गौरव, गौरव कितना दिन में कर रहा है? तो ये जो है 50 दिन में कर रहा है। 25 और 50 का लसा 50, 25 दूनी के 50 और 50 से कम 50। तो यहाँ पता चल गया कि नीरज जो एक दिन में 2 काम कर रहा है और गौरव जो एक दिन में 1 काम करे, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम किया? 3 काम किया। और 5 दिन काम कर रहा है तो 3 बजे 15 काम कर देगा और टोटल काम कितना है? 50। तो 15 बटा 50 जो है पूरा काम पूरा होगा। तो यहाँ पे 5 से ये कट गया 3 बार में, 5 से ये 10 बार में, तो हमें पता चल गया कि 3 बटा 10 भाग जो है काम पूरा होगा। तो यहाँ पे कौन सा सही है ऑप्शन? तो यहाँ पे जो है 6 का ये ऑप्शन सही है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, सात नंबर क्वेश्चन है कि ए बी सी, ए बी तथा सी क्रमशः किसी काम को 6, 8 तथा 12 दिन में करते हैं, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? यहाँ पे देखिए कौन कौन है, ए है, बी है और सी है। ए जो है 6 दिन में करा है, बी 8 दिन में और सी 12 दिन में। तो कहा जा रहा है कि तीनों जब साथ मिलकर काम करेगा तो कितना दिन में करेगा। तो यहाँ पे क्या करना है कि 6, 8 और 12 का लसा निकालना है। तो 6, 8, 12 का लसा कितना हो जाएगा? 24। 6 चक 24, 8 24, 12 दूनी के 24। तो ए एक दिन में 4 काम, बी जो एक दिन में 3 काम और सी जो एक दिन में 2 काम कर रहा है। तो टोटल एक दिन में कितना काम हो रहा है? 4 3 7 2 9। आ टोटल काम कितना है? 24। तो 24 भागा 9 पता चलेगा ना, एक दिन में 9 काम हो रहा था, 24 काम को करने में कितना समय लगेगा? 24 भागा 9। 3 से ये कट गया 8 बार में, 3 से ये कट गया 3 बार में। तो हमें पता चल गया कि 8 बटा 3 दिन में पूरा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पूर्णांक में दिया, इसको लिख सकते हैं 2 पूर्णांक 2 बटा 3 दिन। 8 बटा 3 को तो पूर्णांक में तोड़ ही सकते, 3 से 8 को कटे, 3 दूनी के 6, शेषफल जो बचा उसको ऊपर रखते हैं, जो भागफल आया उसको इधर, और जिसे भाग दे रहे थे उसको नीचे। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है? तो 7 का जो है डी ऑप्शन सही है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, आठ नंबर क्वेश्चन है कि रिया मोनी तथा खुशी, रिया मोनी तथा खुशी क्रमशः किसी काम को 60, 30 तथा 45 दिन में करते हैं, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? यहाँ पे कौन कौन सा है? रिया है, मोनी है और खुशी है। ये तीनों जो है 60, 30 और 45 दिन में काम कर रही है, 60 दिन में, ये 30 दिन में और ये 45 दिन में। तो 60, 30 और 45 का लसा कितना हो जाएगा? तो 180 हो जाएगा। 60 दिया 180, 30 छक 180 और 45 चक 180। कोई दिक्कत है? तो एक दिन में कितना काम हो रहा है? 6 4 10 3 13 काम। तो 180 काम को पूरा करने में कितना समय लग जाएगा? 180 बटा 13 दिन लग जाएगा। इसको क्या करेंगे, पूर्णांक में तोड़ लेंगे या 180 बटा 13 दिया है? तो यहाँ पे जो है 180 बटा 13 दिन हो गया। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है? तो 8 का जो है ये ऑप्शन सही है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड में भी शेयर करिए। थैंक यू।